अरे मोनो की सेटिंग कहां से कर दोगे, मोनो तो ये बूफर तो ये पड़ा है। टूल नाम की चीज होती है। बताओ घबराहट होती है जैसे आवाज। अच्छा घबराहट हो रही है तो लड़के को बोला थोड़ा मंदा है बजाए। उम्मीद अच्छी है तो हम आपको काम भी अच्छा करके देंगे। उस्ताद ये क्या जहाज ले लिया है, ये मॉन्स्टर क्या है? पैक हो गई है भाई बक्सा में। उस्ताद तो पूरा मजबूत आदमी है भाई। ब्रिजा का साउंड सुना आपका? अच्छा सुन लिया। अरे मेरे भाइयों का राम राम। और आज भाई एक i20 आई हमारे पास, ये दोनों दो i20 है भाई। एक भाई मेरे सही है और एक हमारे अभिषेक भाई की है, जो हमारे पास पिछले ऑडियो सेटअप भी ले थी। रात भाई ने बहुत बढ़िया कर रही है, इसे सेरेमिक कर रहे हम। देखो पूरी जेड कर रहा है कि आगे से पीछे से साइड से, मतलब कहीं से कुछ आदमी दिख ना जाए कि अंदर कौन बैठा है। इसमें भाई अभी वॉशिंग हो गई थी, अभी सेरेमिक इस पर होगी, क्लीन तो होगी। तो भाई बात करिए इस i20 की, तो भाई इस i20 में सिस्टम लगने वाला है। तो क्या खाली बैठा हूँ, काम वाम हो गया? बस भाई काम ही चल रहा है। फिटिंग सारी खोल दिया, हम थोड़ा लेट है। आदर क्या क्या करेगा भाई इसमें बताते हैं? नहीं बताओ सिस्टम पूरा सिस्टम है। तो भाई इसमें चार सिलेस्टर डालेंगे, एक इंटरफायर डालेंगे, एक SMB 1500 डालेंगे, जो हमारे स्पंक 1000 डालेंगे भाई आपकी बार। वो 1000 जो है बहुत अच्छा सपोर्ट कर लेता है 1500 करने के लिए। हम 2000 भी डाल सकते हैं इस बार, जो ज़्यादा बड़ी बात नहीं। भाई ने इसका बम्पर वम्पर भी सब दो तीन बार सिस्टम लगा रखा है और लेकिन ये संतुष्ट नहीं है अभी तक। तो आज हम इन्हें संतुष्ट करके भेजेंगे तरीके से। देखो ये सब बनाया हुआ है, ये शौकीन भाई ने बनाया फरीदाबाद वालों ने। और ये मॉडल वो है भाई i20 एक्टिव, जो जिसमें साइड ग्लाइडिंग रहती है वो साइड ग्लाइडिंग ने सब हटा रखी है। लाइट भी बना रखी है। हाँ लाइट भी बना रखी है। हाँ तो भाई ये है कृष्णा भाई। क्या हाल भैया? राम राम। अरे भाई ठीक हो? बड़े भैया आप बताइए, कितने दिन से हमारी बात चल रही है, कितने दिन में आए हो और यहाँ के कैसा लगा? बड़े भैया बड़े लगा, एक हफ्ता उम्मीद अच्छी है तो हम आपको काम भी अच्छा करके देंगे। हाँ जी भैया बिल्कुल ताबड़तोड़। बिल्कुल बिल्कुल अभी बज रहे, अभी तो काम स्टार्ट हुआ है। अच्छा एक बात और बताओ, आंटी मेरी से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे एक दो बार पहले भी सिस्टम लगा रखे हैं कहीं? हाँ जी तसल्ली नहीं पड़ी है? नहीं तसल्ली नहीं पड़ी। भाई 50-50 एक लाख के सिस्टम लगा रखे हैं, जब भी मजा नहीं आया। हमारा भी 1 लाख से ऊपर जाएगा। लेकिन लेकिन साइड ग्लाइडिंग सारी निकाल रखी है इसकी। हाँ जी भाई ना मॉडिफाई होती ना, ग्राफिक्स व्राफिक्स हुए थे इसके, ये टूट गया एक्सीडेंट में, टूट गया था। मैं वही कह रहा हूँ पीछे वाला तो बम्पर वो है। हाँ जी ड्रिफ्ट विफ्ट मार रहे थे पेड़ में लगे। अच्छा चलो कोई भाई ड्रिफ्ट विफ्ट मत मारो, खामों का नुकसान हो जाता है। बाकी लाइट वाइट सब चेंज करा रखी है अपने। अलॉय कितने इंच डाल रखे हैं? अलॉय भैया अलॉय तो 45 के पड़े थे करोल बाग से। 17 इंच है? हाँ जी 17 है। काफ़ी टाइम पहले डाला है। टायर कितने का पड़ा? 12,000 का एक, 12,500। अच्छा हाँ जी बड़ा महंगा डलवा दिया हमारे तो पेटी भी देख, यहाँ पे बड़े बड़े टम्पुन मारी आज कल। इसके बाद कैंटरन में भी आएगी, कैंटरन में भी आएगी थोड़े बहुत दिन में। देख खींचिए खोले से जरा, कितनी पेटी लाया? 2 मंगाई थी मैंने। अरे पैक हो गई है भाई बक्सा में। उस्ताद तो पूरा मजबूत आदमी है भाई। तो भाई एक चीज और नई ऐड कर रहे हैं हम आज। उस्ताद ये क्या जहाज ले लिया है, ये मॉन्स्टर क्या है? मनोज भाई क्या हाल है? बढ़िया जी बढ़िया। मनोज भाई बताएंगे मनोज भाई मालिक है ना इसके। भाई वही है प्रोटोटाइप है, 2000 RMS अभी टेस्टिंग चल रही है, देखते हैं बाकी आपकी गाड़ी में लगाएंगे। ब्रिजा में लगाएंगे? हाँ जी भाई। उस्ताद है मेरे ख्याल 25-30 किलो का आसपास तो होगा? नहीं 20 प्लस। 20 प्लस है ना? हाँ थोड़ा भारी है, सिंगल भी भारी था। अब ये 2 लगाएंगे लेकिन अपने। हाँ जी हाँ जी और एक चीज ये भी है, ये प्रोसेसर है, DSP बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? प्रोसेसर बोलते हैं भाई, हमें DSP वाले आदमी है ना। DSP के फुल फॉर्म भी प्रोसेसर ही होती है, डिजिटल साउंड प्रोसेसर।
लेकिन हम तो फिर भी डीएसपी वाले ही हैं। अब बताओ, चलो तो भाई ये प्रोसेसर लगाएंगे आज हम अपनी i20 में, मतलब कि कृष्णा की गाड़ी में लगाएंगे आज। सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, मतलब फर्स्ट टाइम इन मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। एक लगा दूंगा, पता नहीं कितने लगा दूंगा, गिनती भी नहीं आएगी। मास्टर वॉल्यूम उसका, ये बहुत प्यार लगता भाई। इसी के पैसे, इसी के पैसे, आपकी स्टीरियो खत्म, इसी से वॉल्यूम कम, इसी से वॉल्यूम ज्यादा। यहाँ बकायदा डिस्प्ले आएगी, यहीं से आवाज कम, यहीं से आवाज ज्यादा। ये आपका प्रोसेसर है, ये रहा प्रोसेसर, ये 8 चैनल प्रोसेसर है। मतलब कितने, क्या मतलब क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी, अगर कुछ पूछे। 8 चैनल है, और वो जो बैंड वैंड बता रहे थे आप, 31 मैंने की है, वो सबको पता ही है, सबको पता है, नहीं बहुतों को नहीं पता ना भाई, जैसे मुझे नहीं पता। कोई नहीं, मैं स्पेक शेयर कर दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। एम्पलीफायर भी है इसमें, इसमें ही अरे वाह, कम पावर का होता है। अच्छा होता है, लेकिन हाँ होता है। इसकी ट्यूनिंग वनिंग जो ये मैनुअली हो गई है, लैपटॉप या मोबाइल, उसमें भी एप्लीकेशन चल जाएगी, मोबाइल में, मोबाइल में चल जाएगी, उसमें नहीं है, एंड्रॉइड में करेंगे, तो साथ ही बैठ के ट्यूनिंग करेंगे रात को। बाबा ठीक है, अच्छी चीज है भाई। ये आपकी केबल होगी, इससे जो इससे कनेक्ट होगी, ये मास्टर वॉल्यूम होगी इसमें। नहीं मेरे को ये चेक करना है, ये कैसा बजेगा, मजा आता ना, जैसे बहुत से बंदों की गाड़ियों में लग रहा है खाली आवाज, वो उसी में छेड़ते नहीं लग रहे। दो तीन घंटे हमने दिए इसे सूखने के लिए, बाकी अभी इसमें हल्की हल्की नमी है, देखो बाकी अपना पूरा स्टॉक रखा भाई। ये दो इसमें 1000 है, दो 2000 है भाई। प्रोसेसर की वायरिंग जो है वो हो गई स्टार्ट, एक हमने लोट लिया इसका, लगा दिया है हाईलो, और अब इसे प्रोसेसर लगाएंगे इसको, उसका इसे पीछे लगाएंगे डिग्गी में, फट्टे पे ना, ठीक है। ये 8 चैनल, इसमें इनपुट भी दो है और चैनल है 3, आउटपुट 3 नहीं 4, 1 2 3 4, हाँ 4 है। अब सारी शॉर्ट बढ़िया आनी चाहिए, सारी नहीं, आसू आसू ले भाई, ले गौतम दादा कौन देख लेंगे इसकी पेटी साफ सुथरी। हाँ सही बात, ले लो आ रहा है, ले हद होगी। अरे मैं कहता रहा हूँ सही बात है, फिर अब देख करोगे अच्छी बड़ी बड़ी है भाई। वो बताओ कितने हर्ट्ज पे ट्यून है, और वो ये भाई 36 पे हर्ट्ज पे ट्यून है। कौन सी गाड़ी के भाई ये, हो सकता है अपनी ब्रेजा में लगे, और आइडियल की बहुत बोली बेटी आ जाएगी इसमें, आ जाएगी ये उसका, ये लाउड और लो दोनों मारेगी, बहुत बड़ी डिग्गी है, आ जाएगी बता दी, आ जाएगी तो फिर तो क्या दिक्कत है, आ जाएगी भैया, बेटी अच्छी बनेगी लगता है। उसके बाद ये भी काम खत्म, पेटी बड़ी छोटी है, लेकिन ये मुझे लग रहा 12 13 14 15 15 इंच की पेटी है उस्ताद, 15 इंच की छोटी है, ब्रिजा से बड़ी पेटी है, ऊंचाई में थोड़ी सी कम है, अच्छी बजेगी भाई। देहरादून जाएगी तो बढ़िया तो बजेगी, नहीं मेरठ, मेरठ जाएगी। अरे सही, तो देहरादून जा रहा नंबर प्लेट है ना अरे हमारा सारा काम हो गया है, और आज मनोज भाई भूखे बैठे हैं, तो मनोज भाई को मैं रबड़ी खिला रहा हूँ नहीं भाई रबड़ी मीठा नहीं, मेरे साथ खा लो ना, दिखाओगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए वो रहता हूँ चिली, चिली चाउमिन। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, खा लो थोड़ा सा। अरे तुम गायब कहाँ थे ये तो बताओ पहले, मैं सेटिंग कर रहा था इनोवा में। अच्छा इसमें भी सेटिंग करेंगे मैं 5-10 मिनट बाद, बस चालू करा रहे, बस चालू होने वाला थोड़ी बहुत देर में, तब लगते लगते हम तो गए थक। देखो अब तो हमारे टांग हिल रही है इतनी देर देर से, आप तेरा लग गया, मैं लगा लग गया भाई, मोनो लग गया, फंडा मोनो भी लग गया, हेमाटेक का बूफर भी लग गया। हाँ हाँ हमने पूछी कौन सा बूफर है, हेमाटेक है, सही बात है, हेमाटेक का फंडा मज रहे भाई आजकल तो। ओ भाई इनोवा वहीं जाएगी 1 तारीख को, बम। अब तो भाई इनोवा काम हो गया ख़त्म, इसमें हमने हेमाटेक लगा दिया, एक फंडा का मोला इस सीट के नीचे, और इंटरफायर इस सीट के नीचे, अब देखते हैं इसकी कैसी आवाज़ आती है। आप भी चलो भाई एक बार, चलो सेटिंग कर रहे हैं लौंडा अभी। गाना चलेगा कौन सा, देखो 250 एलबी, 250 एलबी बढ़िया आवाज गाड़ी के अंदर भाई, बढ़िया आवाज।
भाई मैनुअल जो सेटिंग दे रहे वो तो मैंने बहुत दिखा दिया आपको, आज मैं दिखाता हूँ आपको जो लैपटॉप की सेटिंग होती है। टाइम हो गया है 12:15 और सेटिंग चल रही है बिल्कुल लास्ट, थोड़ी बहुत देर में काम स्टार्ट खत्म और बूफर इंस्टॉल करेंगे फिर अपने। तो भैया हम तो उस्ताद उस्ताद कर रहे तो हैं, लेकिन हमारा उस्ताद तो सही में उस्ताद होगा। देखो बूफर की पेटी हुई बड़ी, उस्ताद तुम क्या कर रहे हो इसमें बताओ भाई। मोनो की सेटिंग। अरे मोनो की सेटिंग कहाँ कर दोगे, मोनो तो ये बूफर तो ये पड़ा है। टूल्स नाम की चीज होती है, टूल्स कान कान कुछ चीज सुन नहीं पाती, समझ नहीं। एक जो टूल बता देगा ना, हाँ जी, एक वो एक हर्ट्ज बता देगा। हर्ट्ज तो ना कम में देखा कैसे हर्ट्ज हो गए ये भाई जी, लैपटॉप से सेटिंग कर देगा मोनो, ये लगा रखा है इसमें तार। बाकी ये हमारा टूल है, ये हमारा मोनो की सेटिंग करेंगे, इतना ही दिखाना, इतना ही दिखा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दिखाएंगे, नहीं तो बालक सीख गए फिर क्या होएगी। बालक नहीं सीख सकते बालक को बड़े बनते हैं। वायरिंग वायरिंग करते हैं, देखो बूफर चेक करूं किसे करता हूं, फिर बढ़ा दी करो कम कर दो मास सेल ने पहले देख लो ये जान दे कितने तगड़े हैं, अभी तो टेस्टिंग हो रही है इसमें तो दिख भी ना रहे, ये दिख रहे हैं भाई, थोड़े थोड़े हिल रहे हैं भाई बाहर तो ट्राई कर लिया एक बार बजा के, एक बार इसको डिग्गी में रख देते हैं फिर देखते हैं कैसी आवाज़ आएगी इसकी। भाई पेटी तो कर, वो तो बंद कर बेटा, चलो जी इसको भी बंद करो, अब पता लगेगा, अब पता लगेगी बेस की। कुछ फूट भी सकता है यहाँ पर। बाजू कैसा बज रहा है बताओ। अच्छा घबराहट हो रही है, तो लड़के को बोला थोड़ा मंदा है बजाए। ना 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 ये तेज है बहुत, मतलब लाउड है, उसको लड़के को बोला धीरे धीरे बजा के जाएगा। लो भाई उस्ताद बढ़िया बज रहा है। कॉपीराइट आएगा उस्ताद, क्या बजा रही है। भाई वरना तो आज अनु जैसी लग रही है, कहीं नहीं जैसी, बहुत मेहनत करी है भाई इसमें। तो भाई इसका सारा काम जो है ना अब फिलहाल कम है, 15 दिन की मेहनत भाई, सही कह रहा लड़का। देखो कृष्णा बेटा एक बार इसे बजा के दिखा, तूने सुन लिया कैसा बज रहा है एंड। चलो एक बार हमारे भाइयों को और सुना दे, है ना ना यही बजाओ, बाहर तो पुलिस आ जाएगी, रात को 3 बज रहे हैं यार। भाई तरुण इतना पैसा कमा के कहाँ जाएगा यार, तेरी वीडियो में इतने ऐड आवा जैसे गिनती नहीं। भाई हमारी आए वरना एक लीली और एक लाल, भाई सबकी फेवरेट मेरी फेवरेट है। उस्ताद इसमें 18 इंच एलईडी डाल दो और इसे जेड कर दो, ये सिमम वाला हाल हो जाएगा। चलो जी बंद कर लो, पुलिस वाले आ जाएंगे बेईमान, बंद कर लो। तो भाई फाइनली जो है ना अब बाबूजी जा रही है और सिस्टम ने बहुत अच्छा दिया लगा के। कुछ गलत कहा मैंने, मैंने कुछ गलत कहा बोला, मैं बोल कुछ रहा हूँ, मुँह से आवाज़ कुछ निकल रही है। अभी थोड़ी देर पहले ऐसे हुआ था ना,
भैया हो जाएगा यार, मैं पहले भी कर रहा भाई, 3:30 बज रहे हैं। गौतम और सुना, गौतम क्या हाल है? ठीक है भाई, यही तो पूरी वीडियो आज की। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपने, अपने मतलब ले रहा हूँ। जय बाबा की।